नमस्कार साथियों, आपको अपने विद्यालय में SRM का आयोजन करना है। आपकी सहायता के लिए निदेशालय द्वारा बनाया गया यह SRM का वीडियो देखते हैं। इसमें एक विद्यालय की प्रधानाचार्य शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक ले रही हैं। आइए इस वीडियो को देखें और इसी तरह अपने विद्यालयों में इस मीटिंग का सफल आयोजन करें। इसका उद्देश्य है केवल विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। हमारे इस बैठक का गोल ये है कि आप सभी को भी ज्ञात है और हमें ध्यान दें कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, जिससे RPSM के थर्ड के जितने भी गोल्स हैं वो हम अप्रैल 2023 अथवा RKSM BK3 के लिए हमारे क्या लक्ष्य हैं? तो साथियों, हम जब इस स्टाफ परीक्षा बैठक में बैठे हैं तो हमारे सामने ये तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि ये मीटिंग रखी क्यों है। तो इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो अप्रैल 2023 के अंदर प्रस्तावित बैठक है RKSM BK3 की, क्या आप मुझे कोई बताना चाहेंगे कि इसके लक्ष्य क्या रहेंगे? बच्चों में हमें अलग अलग जो दक्षताएं यानी कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो बिल्कुल उन्हें स्टार लाने हैं, दो या तीन स्टार लाने के हम सब प्रयास कर रहे हैं। अब हम साथ में और आगे हमें यह ज्ञात हुआ कि तीसरे आकलन का लक्ष्य है कि सभी दक्षताओं में विद्यार्थियों को 2 या 3 स्टार प्राप्त करने हैं। आइए देखें प्रधानाचार्य और अध्यापक इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो आपने भी कहा कि हम दक्षताओं के अंदर स्टार पाते हैं, जैसा मैडम ने चाहिए कि दक्षताओं में स्टार पड़ जाएंगे। तो कोई ये बताएगा मुझे इस भाग में हमने देखा कि निदेशालय द्वारा RKSM BK3 में कौन सी दक्षताएं आएंगी तथा उनका पोस्टर अध्यापकों के साथ साझा किया गया है। आप यह पोस्टर CDO, CBO, PEO अथवा स्कूल वाले ग्रुप पर देख सकते हैं। सभी PEO यह सुनिश्चित करें कि यह पोस्टर सभी कक्षाओं में लगे हों और अध्यापक इन्हें पढ़ें। आइए देखें कि इस पोस्टर को देखकर अध्यापकों की क्या प्रतिक्रिया रही। सभी ने इस पोस्टर को बहुत ध्यान से देख लिया है, तो इस पोस्टर को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो सवाल ये है कि दक्षता जो हमने देखी, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी दक्षता पे नाम है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने मोबाइल पे उस ऐप को खोलें। जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो आपके सामने स्पष्ट तौर पर आ जाएगा कि आपकी कक्षा के अंदर किस दक्षता पे आपको काम करना है, किसके लिए भी निदेशालय ने तरीका निकाला है। ये एक्टिविटी आपको बांटी जाएगी, अभी आपने देखा, इस एक्टिविटी को भरने के लिए आपको अपने ऐप की मदद लेनी होगी। आप जब ऐप के डैशबोर्ड पे दक्षताओं पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा कक्षा के अंदर कौन सी दक्षताओं पे काम करना है। इसके लिए इस चार्ट के अंदर आपको 2 खाली स्थान दिए गए हैं जिसमें आप RKSM BK के फर्स्ट और सेकेंड दोनों के रिजल्ट देखेंगे ऐप पे और उनको भरेंगे। आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमें अपनी दक्षता पे काम करना है। तो
अभी मैं आपके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, आप अपने अपने ऐप पे खोलें और देखें। समान बंटवारे के रूप में विभाजन, ये तुम है ना, हाँ मेरा सभी अध्यापकों से यह निवेदन है कि आप भी यह गतिविधि करें। इस गतिविधि के माध्यम से आइए जानते हैं कि क्या फायदा होगा। ताकि आपके प्रदर्शन के लिए टोटल ध्यान, इसी प्रकार यकीन खाने मान पे दो अंक खाने मान पे भी आपको थोड़ा सा काम करा और अच्छा करेंगे की तरह से तीन चार काम का। एंड जो मतलब ये सबके सामने स्पष्ट है कि आपकी मदद से आपने देख लिया कि मुझे किस दक्षता पे काम करना है, मुझे कौन सी दक्षता में किस दक्षता पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आपके लिए एक और खुशखबरी है, आपकी मदद के लिए निदेशालय ने जारी की है इस संस्थान सूची। इस सूची में जो आपको आपके CBO, PO और डायरेक्टरेट से जो बार बार आपको वीडियो मिलते हैं, व्हाट्सएप लिंक मिलते हैं, उनके अंदर भी आपके पास इसकी PDF है। इसमें बहुत सही सही आपकी कार्य पुस्तिका के किस पेज पर कौन सी दक्षता के बारे में दिया गया है आपको स्पष्ट मदद मिलेगी। तो ये वो संसाधन है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति में बहुत मदद करता है। उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्दी अपनी दक्षता प्राप्त कर पाएंगे और अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षा के अंदर और बेहतर नतीजे हमारे पास। परीक्षा बैठक के अंतिम चरण में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, अपने ऐप पर अपने प्रदर्शन को देख करके आने वाले समय में जो काम करने हैं उसके बारे में बात किया और आशा करती हूँ कि विद्यालय का शिक्षा स्तर और भी सुधरेगा। धन्यवाद। निदेशालय द्वारा जारी की गई सभी क्वेश्चंस का ध्यान से अध्ययन करें। धन्यवाद।